हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग स्टूडेंट्स एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग के आज के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाउडर के बारे में पाउडर जो है स्टूडेंट्स वो सॉलिड डोजिस फॉर्म होता है जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से यूज़ किया जाता है ओके सो पाउडर जो होते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर होता है या फिर मेडिकेटेड कोई पाउडर होता है सो so, ये सभी जो होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के पार्ट uh, होते हैं सो so, दोस्तों स्टार्ट करते हैं बट सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर पाउडर को मिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती है स्पेशलाइजेशन ट्राइचुरेशन जियोमेट्रिक डाइल्यूशन एंड शिफ्टिंग ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो सो जैसा कि हमने फार्मास्यूटिक्स टू में पढ़ा है स्पेशलाइजेशन, ट्राइचुरेशन एंड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन सिफ्टिंग ये सभी पाउडर uh, को मिक्स करने की मेथड्स होती है सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबो ये सभी जो विधियाँ हैं ये पाउडर को मिक्स करने के लिए यूज़ हम करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू बल्क पाउडर मीन्स फॉर एक्सटर्नल यूज आर बल्क पाउडर जो होते हैं जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं डस्टिंग पाउडर इंसफ्लेशन स्नफ एंड टूथ पाउडर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो सो जैसा कि हमने पढ़ा है जो बल्क पाउडर होते हैं जिनका यूज़ एक्सटर्नली किया जाता है वो डस्टिंग पाउडर होते हैं इंसफलेशन होते हैं एंड स्नफ एंड टूथ पाउडर भी होते हैं मतलब ये सभी जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं सो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ अबो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड द बल्क पाउडर मीन फॉर इंटरनल यूजर ऐसे बल्क पाउडर जिनका यूज इंटरनली किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं जैसे ग्रेन्यूल्स फाइन पाउडर डस्टिंग पाउडर या बोथ ए एंड बी सो करेक्ट आंसर आपको पता है स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी जी हाँ ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर जो होते हैं वो दोनों बल्क पाउडर होते हैं जिनका यूज़ इंटरनली किया जाता है ओके सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज मोर स्टेबल निम्नलिखित में से कौन सा डोजेस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है लिक्विड पाउडर इमल्शन या फिर बूथ ए एंड बी सो जैसा कि हमने पढ़ा है लिक्विड या फिर किसी इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट में लाने पड़ते हैं सो so, इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पाउडर जी हाँ पाउडर जो है वो मोर स्टेबल डोजेज फॉर्म होता है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर ऑल इन्ग्रीडियंट्स शुड बी मिक्सड इन ठीक है जब हम पाउडर को बनाते हैं उस समय जितने भी इन्ग्रेडियंट्स होते हैं उनको किस तरह से मिक्स किया जाता है ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में ना तो डिसेंडिंग ना तो असेंडिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो सो जैसा कि हमने पढ़ा है मिक्सिंग ऑफ पाउडर में ऑप्शन बी जो है असेंडिंग ऑर्डर सभी इंग्रेडियंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स किया जाता है ओके सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स द बल्क पाउडर विच आर कॉमनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन आर ऑप्शन ए डस्टिंग पाउडर ऑप्शन बी इन ऑप्शन सी स्नफ एंड डेंटीफ्राइज ऑप्शन डी ऑल ऑफ ऑफो क्वेश्चन है बल्क पाउडर जिनका यूज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है सो so, जितने भी ऑप्शन हैं डस्टिंग पाउडर इन स्नफ एंड एंटीप्राइजेस ये सभी एक्सटर्नली ही अप्लाई किए जाते हैं सो so, इन सभी ऑप्शनस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबो ओके सो इन सभी फॉर्म्स uh, का यूज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन डस्टिंग पाउडर शुड बी पासड थ्रू टू इन्हेंस देयर इफेक्टिवनेस डस्टिंग पाउडर को किस यू नंबर से पास किया जाता है ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो अच्छी हो ओके okay? वो अच्छा इफेक्टिव हो सो ऑप्शन हैं सी यू नंबर फोर्टी सी यू नंबर ट्वेंटी सी यू नंबर एट्टी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो सो जैसा कि हमने पढ़ा है फार्मास्यूटिक्स में डस्टिंग पाउडर जो होते हैं उनको सी यू नंबर एटी से पास किया जाता है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सी यू नंबर एटी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट डस्टिंग पाउडर शुड बी सप्लाइड इन डस्टिंग पाउडर को किसके अंदर सप्लाई किया जाता है ऑप्शन आपके सामने है सिफ्टर टॉप कंटेनर ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील कंटेनर ऑप्शन डी प्लास्टिक चैम्बर या ऑप्शन डी ग्लास कंटेनर सो जैसा कि हमने पढ़ा है डस्टिंग पाउडर को आ, किस में सप्लाई किया जाता है सो सिफ्टर टॉप कंटेनर जो होते हैं ठीक है जिसको और एरोसोल कंटेनर भी बोलते हैं इनके अंदर डस्टिंग पाउडर को सप्लाई किया जाता है सो so, इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिफ्टर टॉप कंटेनर ओके दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन विच पेपर इज़ यूज फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर पाउडर को रैप करने के लिए मतलब पाउडर को कवर करने के लिए कौन सा पेपर यूज़ किया जाता है प्लास्टिक पेपर वाइट ग्लेज्ड पेपर एम्बर कलर पेपर या आर्ट पेपर सो जैसा कि हमने पढ़ा है पाउडर को रैप करने के लिए वाइट ग्लेज्ड पेपर का यूज़ किया जाता है सो so, इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाइट ग्लेज्ड पेपर ओके दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन डस्टिंग पाउडर्स आर मतलब डस्टिंग पाउडर कितने तरह के होते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर सर्जिकल डस्टिंग पाउडर इफर डस्टिंग पाउडर या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सो जैसा कि हमने पढ़ा है डस्टिंग पाउडर के लिए डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेडिकेटेड एंड सर्जिकल सो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर मेनली यूज फॉर जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं उनका मेन यूज़ कहाँ पर किया जाता है बर्न स्किन पर टिथ पर बॉडी कैविटीज पर या सुपरफिशियल स्किन पर सो so, इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं सो करेक्ट आंसर इन सभी में से ऑप्शन नंबर डी है सुपरफिशियल स्किन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज इन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है बर्न स्किन पर टेथ पर बॉडी कैविटीज पर या फिर सुपरफिशियल स्किन के ऊपर ओके सो जितने भी ये ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को बॉडी कैविटीज के लिए यूज़ किया जाता है सो so, इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बॉडी कैविटीज़ जी हाँ बॉडी कैविटीज़ के अंदर सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बॉडी कैविटीज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन कॉमनली यूज इन्ग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर आर डस्टिंग पाउडर बनाने के लिए कॉमन जो इन्ग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं सो so, ऑप्शन है ऑप्शन ए टेल्क ऑप्शन बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑप्शन सी कैवलिन या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी सो so, जैसा कि हमने डस्टिंग पाउडर के बारे में पढ़ा है सो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर टेल्क एंड काउलिन दोनों का यूज़ डस्टिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच मेथड इज़ यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज़ एंड मिक्स पाउडर कौन से मेथड का यूज़ पार्टिकल साइज को कम करने के लिए और पाउडर को मिक्स करने के लिए किया जाता है ऑप्शन आपके सामने स्पेचुलेशन ट्राइचुरेशन बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ अबो सो so, जैसा कि हमने पढ़ा है पाउडर की जो मिक्सिंग ऑफ पाउडर है मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स में से जो ट्राइच्यूरेशन की मेथड होती है उस मेथड का यूज़ किया जाता है पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए पाउडर को मिक्स करने के लिए सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्राइचुरेशन ट्राइचुरेशन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच मेथड इज़ यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंस मिक्स्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ डायलुवेंट्स ठीक है कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है जब किसी पोटेंट सब्सटेंस को डायलुवेंट के साथ लार्ज अमाउंट में मिक्स करना हो स्पेशलाइजेशन ट्राइचुरेशन जियोमेट्रिक डाइल्यूशन या नन ऑफ अबो सो जैसा कि हमने पढ़ा है मिक्सिंग ऑफ पाउडर में ठीक है सो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड जो होती है इसमें हम पोटेंस सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट ऑफ डायलुन के साथ मिक्स करते हैं सो करेक्ट आंसर है इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जियोमेट्रिक डाइल्यूशन ओके This is the correct answer for this question.